हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसमें 12.1 में क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए देख रहे हैं 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स। ओके, यहाँ पे सबसे पहले 30 मिनट्स दिया हुआ है तो 30 मिनट्स पहले ऊपर लिखेंगे, 1.5 आवर्स बाद में है तो नीचे लिखेंगे। एंड यहाँ पे दोनों यूनिट जो है वो सेम नहीं है, यहाँ पे मिनट्स में है, यहाँ पे आवर्स में है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करेंगे, यहाँ पे मिनट्स छोटा है और आवर्स जो है वो बड़ा यूनिट है, तो यहाँ पे छोटे यूनिट को ऐसे ही रहने देंगे और बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह करेंगे, 1 आवर इज इक्वल टू कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। एंड 1.5 आवर्स इज इक्वल टू कितने होंगे, तो 60 × 1.5 करेंगे। ओके, तो 1.5 जो है ये डेसिमल वाला नंबर है, तो ये डेसिमल जो है इसको इग्नोर करेंगे, तो 15 × 60 करेंगे। 15 × 60 करेंगे तो 900 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे एक नंबर छोड़ के पॉइंट है तो हम भी एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे 90 मिनट्स हो जाएंगे टोटल आंसर। तो यहाँ पे ऊपर 30 मिनट्स, नीचे 90 मिनट्स। यहाँ पे यूनिट दोनों सेम है, कट हो जाएंगे 30/90। यहाँ पे 0 0 कट, 3/9, 3 1 3 एंड 3 3 9। 1:3 इज लोवेस्ट फॉर्म एंड 1:3 इज आंसर। नाउ बी पार्ट में है 40 cm to 1.5 meter। आप देख सकते हैं दोनों जो यूनिट्स है वो सेम नहीं है, यहाँ पे यूनिट को सेम करना पड़ेगा। तो 1 meter इज इक्वल टू 100 cm होते हैं, तो 1.5 meter इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर जो है वो छोटा यूनिट है एंड मीटर जो है वो बड़ा यूनिट है। तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, छोटे यूनिट में हम कन्वर्ट करेंगे, तो 100 इज इक्वल टू 1.5। तो यहाँ पे जो डेसिमल है इसको अगर इग्नोर करेंगे तो 15 × 100, तो 15 × 100 इज इक्वल टू 1500। तो यहाँ पे एक नंबर छोड़ के पॉइंट है तो हम भी एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे 40 cm / 150 cm, सेंटीमीटर दोनों यूनिट सेम है, कट हो जाएंगे, 0 0 कट हो जाएगा, 4/15, और 4 के टेबल में 15 आता नहीं है, इसलिए रेशियो आगे इस तरह लिखा जाएगा 4:15। ओके, नाउ सी पार्ट में हम लोग देख सकते हैं 15 पैसे एंड 1 रुपीज। ओके, हमको पता है 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, तो 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे लिख देंगे, 55 पैसे एंड 100 पैसे। यहाँ पे दोनों जो है वो 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 11 5 ज़ा 55 एंड 25 ज़ा 100। यहाँ पे 5 5 कट एंड 11/20, तो 11:20 हो जाएगा। पार्ट डी, ये क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 500 मिलीलीटर एंड 2 liters। ओके, मिलीलीटर एंड लीटर का डिफरेंस है, यूनिट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे लीटर को हम लोग मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 liter इज इक्वल टू 1000 milliliter होते हैं, तो यहाँ पे 2 liter है तो 2000 milliliter हो जाएंगे। यहाँ पे 500 milliliters और अपॉन 2000 milliliters, मिलीलीटर यूनिट कट हो जाएंगे, 2 0 यहाँ से कट, 2 0 नीचे से कट हो जाएंगे, 5/20 आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20, 5 5 कट हो जाएंगे, 1/4, 1/4 इज द लोवेस्ट फॉर्म एंड इज द आंसर। ओके, 1:4।